अपनी अटपटी दलीलों और विवादित बोलों के लिए सुर्खियों में रहने वाली हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने फिर से हंगामा मचा देने वाला बयान दिया है। अरे कमा के आया हम शाम में खाने के बाद अगर पावर पी करके सो गए तो हम इसको बुरा नहीं मानते हैं। वैसे तो मांझी पहले भी शराब पीने को जायज ठहरा चुके हैं, लेकिन ताजा बयान पिछले सभी बयानों को मात देने वाला है। तो हम अपना बेटा को कर्जा पैमाने में किया था, 25,000 का बिल आया था, ऐसी करवा करके मतलब 5,000 का बिल जमा करा दिया, हमारा एकदम ओके हो गया। जनता के सामने हमेशा अपने विचार खुलकर रखने वाले पूर्व सीएम मांझी ने इस बार मतदाताओं को ऐसा सुझाव दिया है जिससे बवाल खड़ा हो गया है। कमा के आया हम शाम में खाने के बाद अगर पावर पी करके सो गए तो हम इसको बुरा नहीं मानते हैं। बिहार के चुनावी दंगल में मांझी ने अपने समर्थकों से अपील करी कि पहले मतदान फिर मदिरा पान। कमा के आया हम शाम में खाने के बाद अगर पावर पी करके सो गए तो हम इसको बुरा नहीं मानते हैं। इस हैरान करने वाले अपने बयान को जायज ठहराने के लिए मांझी ने तुरंत सफाई भी दे डाली। 70 बरस हो गए हमरा के यहाँ दारू छुआ है, दारू लेकिन थोर पर आज तक हम दारू न ले लिए अपनी सिगरेट। तो नयन तो चलो पर तो ये जो बुढ़ी बर्गनी चुनिया है ना वो भी अनलक्की। मांझी ने कहा, मुझे आशंका है कि उनके समर्थकों को बेहोश करने के लिए विषैला पदार्थ मिलाकर पिलाया जा सकता है। जीतन राम मांझी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि लोगों को शराब पीने जैसी भली नसीहत देने वाले मांझी अपने विरोधी उम्मीदवारों पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसा और शराब बांटने का आरोप भी लगा रहे हैं। खुद को साफगोई में यकीन रखने वाला इंसान बताने वाले मांझी इससे पहले भी इसी तरह की कई अजीबोगरीब सलाह जनता को दे चुके हैं। चूहा मार के खाना कोई खराब बात है क्या? रही बात है कि बाढ़ में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जो राहत कार्य आज है वहाँ के एसपी और कलेक्टर सब जगह बुलाए हैं, जीआर बंटवाने का हम लोग आदेश दे दिया है, कलेक्टर के पास सारा धन जो देना चाहिए जिला वाइज हम लोग मुहैया करा दिया है, नाव मुहैया कराया गया है, उनके मकान गिरे हैं उसके निर्माण के लिए राशि दे रहे हैं, 1 क्विंटल अनाज और 2200 रुपया की बात दिया जा रहा है, किसान को डीजल सब्सिडी दी जा रही है, सारी बात की सुविधा हम लोगों ने दिया है। और उसमें जहां तक चूहा खाने की बात है तो बहुत लोग चूहा खाते हैं, हम भी चूहा खाते थे और आज भी खाते हैं। आपका आशीर्वाद में रहता है, हमेशा बयान आपका बयान आने के बाद में रहता है। सर जहां वाले में हालांकि ये बयान तो सिर्फ ट्रेलर है, मांझी के ऐसे विवादित बोलों की लिस्ट बहुत लंबी है। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब फॉलो एंड लाइक।